संसार को जितने करीब से देखा है, जितने करीब से जाना है, शायद आप लोग ना जानते हो। जितनी ठोकर हमने खाई है, जब ठोकर लगती है ना तो ठाकुर की याद बहुत आती है। इसलिए ठोकर ना लगे तो ठाकुर याद नहीं आते। इसलिए जीवन में ठोकर लगना जरूरी है, मैं मानता हूं इस बात को। उन ठोकरों ने मुझे इतना मजबूत बनाया कि आज मैं हर ठोकर खाने को खा सकता हूं। आप कितनी गाली सुन सकते हैं बताओ? आप लोग एक दो चार गाली सुनते हैं ना, आपका संतुलन बिगड़ जाता है। मेरी आदत हो गई है मैया, मेरी माँ, मेरे भैया, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी आदत हो गई है, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। ये सब मैसेज ही तो है हमारे लिए कि अपने आप को जीवन में सहनशील बनाना चाहिए। जो जितना सहनशील होगा वो उतनी मजबूती से जीवन में खड़ा रहेगा, उतना मजबूती से वो आगे बढ़ेगा। इसलिए सहनशील बनो, हर परिस्थिति आए घबराओ मत और प्रसन्न रहो। बस आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप भी इन घटनाओं, भगवान ना करे कि आपके जीवन में ये विपत्ति आए और ये दुख आए, ये गरीबी आए, ये धक्के खाने पड़े, लेकिन इस जीवन से आप सीखिए। आपके लिए मेरे जीवन से तो मैंने सीखा ही, आप भी प्रेरणा लीजिए और दहेज ना लीजिए। आज से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बेटे के विवाह में कभी दहेज की इच्छा ना रखेंगे। लड़की का पिता जो दे दे रख लो, कोई मना ही नहीं, मर्जी से मांगो। मांगना ठीक नहीं है, मांगना सही नहीं, मांगो।